हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि क्लास 11th चैप्टर 1st का एक टॉपिक है। चलिए फिर इस टॉपिक को समझते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और आप इनको क्या बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपकी जो अकाउंटिंग जो है उसमें चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी? रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। तो फर्स्ट वन क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हो वो रिलायबल हो। रिलायबल मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सको, वो बायस्ड ना हो, वो पार्शियल ना हो, वो एक सही जानकारी आपको प्रोवाइड कराए जो कि रिलायबल हो और सही हो। अब देखो, आप कैसे पता लगा सकते हो? एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। जैसे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने उसका रेट लिख रखा है कुछ, तो आप उसको किससे कंपेयर कर सकते हो? आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हो, जो वो उसकी जो डीड होगी प्रॉपर्टी की उसमें जो अमाउंट लिखा होगा और जो आपने अमाउंट लिख रखा है आप उससे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो चीज़ क्या लिखी हुई है? एक्चुअल लिखी हुई है, तो बस आपकी जो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन हो वो बिल्कुल सही हो। तो उसको पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो हो वो फैक्चुअल हो और वेरीफाइबल हो। वेरीफाइबिलिटी का मतलब वो इंश्योर करे कि जो आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा है वो ट्रूथफुल ऐसे, मतलब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज रेलिवेंस। अब रेलिवेंस क्या होता है? रेलिवेंस मतलब आपने जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, आपने जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो जब कोई भी कुछ काम कर रहा हो, जो आपके जो मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं वो कुछ भी अगर बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन हो वो उनके लिए हेल्प करे। ठीक है, अगर वो किसी फील्ड में डिसीज़न ले रहे हैं तो उनकी उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन आपने लिख रखी है अकाउंटिंग में वो हेल्पफुल करे उनके आगे के डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए क्या होगी? रेलिवेंट होगी। जैसे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन स्टेटेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख रखी है वो रेलिवेंट हो, मतलब जो एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव हो उसको पूरा करे, वो जिस काम के लिए उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहा है वो इन्फॉर्मेशन उसके काम में आनी चाहिए। अगर कोई अननेसेसरी और इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो उसके काम की नहीं है तो शुड नॉट इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? तो अगर वो उसके काम की है तो वो इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी कि वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए रेलिवेंट है, मतलब रेलिवेंस है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो अकाउंटिंग में, वो जो उसके यूज़र्स हैं उनको वो चीज़ें समझ में आए। आप इतने इजी वे में लिखिए कि अकाउंटिंग के जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसके यूज़र्स को समझ में आए। जैसे कि उसके यूज़र्स कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती, फिर भी आप उनको उस मैनर में लिखिए कि जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो लोग भी उसको समझ सकें। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर। आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करो एक सिंपल और एक लॉजिकल मैनर में, ताकि वो अंडरस्टूड, मतलब समझ ली जाए इजीली। किसके द्वारा? उसके यूजर्स के द्वारा, जो कि इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एट्सेट्रा। लास्ट वन इज़ कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब कंपेरिजन करना। कंपेरिजन मतलब आप जो अपने अकाउंट्स हैं उनको आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हो। ठीक है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे आप अपने प्रॉफिट का कंपैरिजन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो कंपैरेबिलिटी बहुत ही यूज़फुल क्वालिटी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन्स द फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी लिखी होती हैं और करंट ईयर की फिगर भी लिख रखी होती है, ताकि आप अपनी करंट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर पाओ पास्ट की परफॉर्मेंस से। ओके, होप आपको ये चारों को कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी। यहाँ पर आपका चैप्टर 1st कंप्लीट हो रहा है। मैं क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी अकाउंट्स के। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।